अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ कहानी आंटी सानिया और आपको पता है मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ वो जो मुझे पसंद होती हैं। शादी में जाना किस किस को पसंद है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जहर लगता है शादी में जाना। मैं कोशिश करती हूँ कभी ना जाना पड़े, क्योंकि इतना शोर मचाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ऐसे क्यों बताऊँ, कहानी ना सुनाओ। ये कहानी है अनोखी शादी और इसकी मुसन्निफा हैं वर्षा काजी और इसके मुसव्विर हैं फहद अहमद, जिनकी तस्वीरें अब आप देखेंगे। सलाम राशिद, क्या हाल है? अमजद ने कहा। राशिद ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम अमजद, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो और कैसे आना हुआ? अमजद ने बताया, मैं तुम्हें उमर की शादी की दावत देने आया हूँ। राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। अच्छा, अंदर तो आओ। अंदर आकर राशिद ने अमजद को दावतनामा दिखाने के लिए कहा। अमजद ने सर हिलाते हुए कहा, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें दावत मिल तो गई ना। राशिद ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा, अरे ये तो नया ही तरीका है। अमजद मुस्कुरा कर बोला, आगे और भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जल्द ही वक्त गुजरा और शादी का दिन आ गया। राशिद ने स्टेज देखते ही कहा, इतना खूबसूरत स्टेज, लेकिन इन फूलों की खुशबू को क्या हुआ? अमजद ने बताया कि ये फूल रिसाइकल्ड कागज़ से बने हैं। ये बात राशिद को कुछ समझ में नहीं आई और उसने पूछा, क्या असली फूलों की कमी हो गई थी? अमजद ने राशिद को समझाते हुए कहा, हमने सोचा किसी खूबसूरत चीज़ को कचरा बनाने से अच्छा है कि कचरे को खूबसूरत बना लिया जाए। निकाह का वक्त आया। मौलवी साहब ने निकाह के बाद दुआ पढ़वाई और तमाम लोग आपस में गले मिलकर मुबारकबाद देने लगे। राशिद ने अमजद को थाल में रखे छुआरे दिए और कहा, इन्हें लोगों में तकसीम कर दो प्लीज। अमजद ने थाल में सिर्फ छुआरे देखे तो पूछा, इसमें सुपारी टॉफियां वगैरह नहीं रखी? राशिद ने बताया, नहीं, वरना हर जगह उनका कचरा पड़ा रहता। खाने का वक्त आया तो राशिद और अमजद भी खाने के लिए बैठ गए। राशिद ने स्ट्रॉ ढूंढते हुए अमजद से कहा, मुझे कहीं स्ट्रॉ नज़र नहीं आ रहा, स्ट्रॉ ले आओगे प्लीज़? अमजद ने जवाब दिया, स्ट्रॉ नहीं है दोस्त, हम दो मिनट में फेंक देते हैं और वो हज़ारों साल ज़मीन पर रहकर हमारे माहौल को आलूदा करता रहता है। खाने के बाद सब ने शादी में खूब हल्ला गुल्ला किया और दूल्हा दुल्हन को रुखसत किया, जिसके बाद राशिद और अमजद चीज़ें समेटने में मसरूफ़ हो गए। बावर्ची खाने में देखा तो एक तरफ बचा हुआ खाना रखा था, दूसरी तरफ बावर्ची कचरे के ढेर में से हड्डियां और सब्जियों के छिलके अलग कर रहा था। राशिद ने हैरान होकर पूछा, भाई इसकी क्या ज़रूरत है? बावर्ची ने कहा, बस देखते जाओ। वैसे तो शादियों के बाद मोहल्ले में हफ्ता भर गंदगी रहती है, लेकिन अगली सुबह मोहल्ला बिल्कुल साफ सुथरा था। ये हुई ना शादी, ऐसे होनी चाहिए शादी। शादी से पहले भी मोहल्ला साफ, शादी के बाद भी मोहल्ला साफ, है ना?